में बांटा गया है। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि फ्रैक्शन से बचा करो और चीजों को पहले ही दो मान लो तो आप दो भागों में आसानी से बांट लोगे। यानी मैंने बोल दिया कि भाई ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल जो था ये कितने का मान लिया मैंने 2 थीटा का, और ये जो एंगल पूरा है ये मैंने मान लिया 2 अल्फा। तो आप बोलेंगे कि सर जी ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बराबर किसके होना चाहिए, 180 के। 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर होना चाहिए 180 के। तो यहां से थीटा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज। कितना आ जाएगा बताओ भाई, 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्रीज। और आपको पता भी होना चाहिए कि सर जी अगर ये 2 थीटा है और ये एंगल बाइसेक्ट कर गई तो ये भी थीटा होगा और ये भी क्या होगा, थीटा। ऐसे ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए सभी को, ठीक है। तो आपने बोला सर ये थीटा हो गया, थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, अल्फा हो गया, और आपसे पूछा है एंगल सीओडी, यानी कि ये एंगल पूछा गया है, एंगल सीओडी ये एंगल पूछा गया है। तो अब देखा भाई ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और थीटा प्लस अल्फा कितना है यहां से, 90 डिग्रीज। यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन से आप इस क्वेश्चन को लपटा सकते हैं या आप बेसिक से भी कर सकते हैं। देखिए पैरेलल लाइन से ये जो सिंबल है पैरेलल लाइंस का, ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल दी हुई है, ठीक है। इनको आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं, इसकी लैंग्वेज नहीं है बट स्टिल आपको समझना है, ये बेसिक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। तो आप बोलेंगे सर जी ये एंगल पूछा गया, थीटा पूछा गया, मुझसे क्या होने वाला है। तो अगर आप ओरिएंटेशन देख पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी जा सकते हैं कैसे कि सर जी ये 80 डिग्री है, अगर ये 80 डिग्री है तो आपको ये अल्टरनेट एंगल पता है क्या होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं, फिर आप आगे बढ़ेंगे या फिर आप देखिए एक चीज आप देखेंगे सर ये जो लाइन है कौन सी लाइन है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये जो लाइन दिखाई दी ये 80 डिग्री का एंगल है। तो एक ओरिएंटेशन आपको समझ में आया कि सर जी ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इनके बीच में जो एंगल है कितने का है, 80 डिग्री का है। तो आपको इस स्टेप पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप कहेंगे सर डायरेक्टली ओरिएंटेशन समझ में आता है, ये लाइन भी तो सेम है, इसी की पैरेलल लाइन है, सेम टू सेम लाइन है, और ये इसी की पैरेलल लाइन है, सेम टू सेम लाइन है, यानी ये एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। और अगर ये 80 हो गया तो ये थीटा भी कितना होगा बताओ भाइयों, 80 डिग्री ही होगा। यानी कि ये जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी 80 डिग्री जेड बन रहा है, आप देखेंगे ध्यान से जेड बन रहा है, 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में आसानी से जा सकते हैं, अदरवाइज आपको इस स्टेप पे नहीं जाना डायरेक्टली, तो आप कहेंगे सर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। फिर आपको यहाँ पे फिर से एक और जेड दिखेगा, देखो ध्यान से कौन सा वाला जेड दिखेगा, ये एक जेड जा रहा है, देखो ध्यान से ये एक जेड गया, तो यहाँ पे अगर ये 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा, और ये 80 होगा तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो कोई भी तरीके आप जा सकते हैं, दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान है। इसी के साथ देखिए ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं, आपका एक और एग्जाम का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ये जो फिगर आपके सामने दी गई है इसमें AB जो है वो पैरेलल है CD के, और आपकी EF जो है एक ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक रेखा है, और आपसे बोला गया है MO और NO क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, MO और NO क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो आपको ये एंगल बताना है थीटा, यानी कि थीटा बताना है, थीटा कितना होने वाला है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, थीटा पूछा गया। तो आप बोलेंगे सर जी एक चीज हमें पता है, क्या पता है, ध्यान से सुनिए भाई, ये जो फिगर है इसको फिर से बना देता हूँ एक बार, ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है, ये लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब आपको ये भी पता है कि सर जी ये जो है यहाँ से क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि अगर ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अच्छा ऐसे ये एंगल बाइसेक्टर है, ये अल्फा होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको पता होगी क्या, कि सर जी ये जो हमने पढ़ा था पैरेलल लाइंस के बारे में, ये जो पैरेलल लाइंस के बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे अगर एक्स था तो यहाँ पे वाई मान लिया था, फिर हमें पता चला था ये ओरिएंटेशन सेम रहेगा, यानी ये भी क्या रहेगा, एक्स रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि सर जी देखिए इंटरनल पेयर जो है, ये दोनों पेयर जो है, इन दोनों का सम कितना है, एक्स प्लस वाई है, यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के, क्योंकि वाई को मैंने माना था 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर जी यहां से क्लियर कट बात है कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर किसके होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो थीटा प्लस अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 90 डिग्रीज के, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया ये वाला एंगल, यानी ये जो एंगल है ये कितना होगा। तो बताओ भाई ये ट्रायंगल अगर आप देख पा रहे हैं तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कैसे निकालोगे। तो आप बोलेंगे सर जी ये जो ट्रायंगल है मैं नाम दे देता हूँ AOB, AOB जो ट्रायंगल है इसमें एंगल AOB जो होगा वो कितना होगा, 180 में से आप माइनस कर देंगे थीटा प्लस अल्फा जो कितना है, 90 डिग्रीज, यानी आपका करेक्ट आंसर कितना है,
90 डिग्री इस सवाल का क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी रही होंगी और आप खुद से करने की कोशिश करिए हर क्वेश्चन को। देखो भाई आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, आपकी शीट वाले जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी शीट का है वो आपका इस तरीके से है। इस क्वेश्चन में जो बोला गया है वो क्या बोला गया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है 77 डिग्री 15 मिनट 24 सेकंड। कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक एंगल बताइए। पूरक एंगल क्या होगा अगर आपको पता होगा तो आप कहेंगे सर दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री में से इसको माइनस कर दूंगा तो इसको दूसरा जोड़ा मिल जाएगा सेकंड पेयर। अच्छा 90 डिग्री जो है, ध्यान से सुनना भाई, 90 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 89 डिग्री साथ में 1 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है ठीक है। लेकिन 1 डिग्री जो है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये कितना हो गया 60 मिनट्स हो गया। 60 मिनट्स, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। अब बोले 60 मिनट को भी मैंने क्या किया 59 मिनट कर दिया और 1 मिनट अलग से लिख दिया, और जो 1 मिनट है उसमें कितने सेकंड्स होते हैं, आप बोलेंगे सर 60 सेकंड्स होते हैं, यानी सेकंड्स के फॉर्म में कितना लिख दिया इसको मैंने 60। क्लियर है? यानी कि ये जो लिखा गया है ये 90 डिग्री को ही मैंने तोड़ के लिखा है छोटी इकाई के अंदर, 90 डिग्री को ही तोड़ दिया। 89 डिग्रीज 59 मिनट 60 सेकंड, अगर आप देखेंगे 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर, 60 मिनट 1 घंटे या 1 डिग्री के बराबर, यानी 90 हो जाएगा। इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 77 डिग्रीज 15 मिनट्स 24 सेकंड्स। माइनस करो भाई आप यहां से करेंगे सर ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऑप्शन देखना शुरू कर जाया करो यहीं से ही ऑप्शन देखा करो। 36 सेकंड वाला क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों मैच कर रहे हैं। अब इसको माइनस करिए, 9 माइनस 5 आ जाएगा 4। देखो भाई 4 कहां पे है, यहां पे 5 है यहां पे 4 है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा आप सोल्व कर सकते हैं, यहां से कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 ठीक है। तो यहां से आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर कि सर जी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक चीज पता चली है कितना, कि ये जो चीजें हैं बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बस हमें चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ता है। साथ में देखिए इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा एंगल यही है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे बेस्ड। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी दो एंगल एक दूसरे के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ एक एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल कितना है वाई है, और दोनों का सम कितना हो गया कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। जोड़ने पे क्या मिलेगा 90 डिग्री। इफ टू टाइम्स ऑफ वन एंगल, यानी एक एंगल का डबल, मैं मान लेता हूँ कि इस एंगल का डबल 2x इज 9 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ अदर एंगल, यानी दूसरा जो एंगल है उसका 5 गुना कर दे और उसमें से दूसरे पहले एंगल का डबल माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 9 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए, 9 का डिफरेंस होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। और आपसे पूछा गया कि बताइए सप्लीमेंट्री एंगल क्या है स्मॉलर एंगल का, यानी जो छोटा एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, ये पूछा गया आपसे सवाल के अंदर ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जी यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी है। एक्स प्लस वाई कुछ लिखा हुआ है, 5y - 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 9 है यहाँ पे भी 9 है ठीक है। तो अगर आप इसको x और y की वैल्यू निकालोगे तो उसमें 9 रहेगा ही रहेगा, बहुत क्लियर सी बात है। और x और y की वैल्यू आपने निकाली 9 रहेगा, कोई भी छोटा है कोई भी बड़ा है दोनों में 9 मिलने वाला है आपको। आप कहेंगे सर सप्लीमेंट्री निकालेंगे तो क्या करेंगे, 180 में से जो भी वैल्यू आएगी उसको माइनस करेंगे, तो 180 भी 9 का मल्टीपल है और ये जो वैल्यू आएगी ये भी क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा, यानी कि आंसर जो भी होगा वो क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 3 9 1 10 गलत, 5 3 8 1 9 7 1 8 और 7 हो गया गलत भाई, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 153 डिग्रीज होगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ट्रेडिशनली, आप इसका डबल कर देंगे 2x + 2y = 180, यहाँ से 2x खत्म हो जाएगा, 7y की वैल्यू कितनी आ गई 189, तो y कितना आ गया यहाँ से 7 2 = 14, 7 7 = 49, यानी एक एंगल कितना आ गया 27 आ गया। तो सीधी सी बात है छोटा एंगल यही है, बड़ा एंगल दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो एक छोटा जो बड़ा एंगल होगा वो कितना होगा 63 होगा। तो छोटे का आपको क्या बताना था सप्लीमेंट्री पेयर, तो आप कहेंगे सर जी 180 में से माइनस कर दो यही मेरा आंसर होगा, यानी मेरा जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ गया 153 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही जवाब है ठीक है भाई। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको मिलेंगे शीट के अंदर, आप बिल्कुल करते जाइए लाइन के अंदर क्वेश्चन। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज ये, यानी के का सप्लीमेंट्री एंगल इतना है एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज इतना, देन फाइंड के, के क्या होने वाला है ये आपसे पूछा गया है। अच्छा भाई बताइए के का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 - k,
और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 24x plus 6। ऐसे ही बताओ k का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होगा 90 माइनस के और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3x। ठीक है तो आप कह सकते हैं कि सर जी अगर इन दोनों को मैं माइनस करूं दोनों साइड से माइनस करूं या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर जी इसको इसके बराबर कर लेते हैं कैसे करोगे 90 ऐड कर दो इधर भी तो 90 ऐड कर दो इधर भी तो ये भी क्या हो गया 180 माइनस के ये भी क्या है 180 माइनस के यानी ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर दोनों को बराबर कर दो बराबर करेंगे तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको 24x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 90 डिग्रीज तो आपको 21x बराबर किसके मिल गया 84 के तो x बराबर क्या आ गया 4 यानी x बराबर कितना है 4 डिग्री के बराबर है। ठीक है अगर x बराबर 4 है तो आप इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट करके आपका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं या सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं आपको निकालना क्या है आपको निकालना है k के निकालना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपको ये भी पता है कि सर जी 90 ये हमारे पास इक्वेशन ये है 180 माइनस के 180 माइनस के बराबर 24x यानी 24 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 96 प्लस 6 यानी कि 102 तो k की जो वैल्यू होगी यहां से कितनी आ जाएगी 78 डिग्रीज। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसी से समझ में आ रही होंगी और आप इसी तरीके से आगे की सीरीज में बढ़ते रहिए अगले क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए भाई। ठीक है हर एक क्वेश्चन आपसे लगेगा। देखो भाई बेसिक ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है आपसे 70 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है तो थीटा पूछा गया है। अच्छा ये बात तो क्लियर है कि सर इसमें कुछ जिगजैग तो कुछ बन नहीं रहा बहुत आसान सा क्वेश्चन है यानी कि जहां पे भी 70 है तो या तो आंसर 70 होगा या फिर क्या होगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री होगा। तो आप बोलेंगे सर जी ये 70 डिग्री मेरे को दिखाई दिया तो देखो ये जो ओरिएंटेशन आपको दिख रही है और ये जो ओरिएंटेशन आपको दिख रही है आप देखेंगे दोनों एक दूसरे के अपोजिट आपको दिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वही 70 आप ऐसे भी जा सकते हैं तो ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा और पैरेलल लाइंस के बीच में जो दोनों एंगल्स होते हैं फंसे हुए इन दोनों का सम कितना होता है 180 यानी थीटा बराबर कितना होगा 110 डिग्री होगा। ये बहुत आसान सी चीज है। ठीक है या फिर आप जा सकते हैं डायरेक्टली ओरिएंटेशन पे कि 70 डिग्री का ओरिएंटेशन कैसा था ऐसा था ये 70 डिग्री दिया हुआ था आपसे पूछा हुआ क्या है ये पूछा हुआ है तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे इसको फंसाएंगे तो एक पैरेलल डब्बा बनेगा यानी ये 70 होगा तो कितना होगा 110 इसको होना पड़ेगा। बहुत क्लियर सी बात है। ठीक है इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ये जस्ट अ सेकंड ये ऊपर था ठीक है ये एंगल ऊपर बना हुआ था ये वाला है। ठीक है तो अगर आप इसको देखेंगे 70 है तो आपको ये पता चलेगा कि सर जी ये जो एंगल होगा ये जो एंगल आपका निकल के आ जाएगा ये कितना निकल के आ जाएगा 110 डिग्रीज निकल के आ जाएगा। ठीक है तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको डील करनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो भाई आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन और बहुत आसान सवाल है आपसे थीटा पूछा गया थीटा क्या होगा और आपको ये दो एंगल्स दिए हुए 110 डिग्री 140 डिग्री तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको ये देख के मेरे को समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कहेंगे सर जी एक लाइन ऐसा करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे बीच में। अब ऐसा क्यों किया देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्या करते हैं लाइंस आपने ड्रॉ करी 110 डिग्री का अगर ये एंगल है तो आप बोलेंगे सर जी देखो ये जेड बन रहा है देखो कैसा भी एक जेड बन रहा है गंदा सा ही बने भले ही लेकिन बन तो एक जेड रहा है। देखो ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ एक बना ये आया लाइन और ये आ गया जेड बन गया कि नहीं बन गया यानी कि Z बन गया और Z जैसे ही बन गया तो ये जो कोण होंगे अल्टरनेट एंगल यानी ये भी क्या होगा 110 डिग्री ऐसे ही 140 है तो ये भी क्या होगा 140 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि सर जी करेक्ट आंसर कितना हो गया 250 डिग्रीज यानी कि आपका जो एंगल है जो पूरा सर्किल थीटा जो दिया हुआ है आप कहेंगे सर किसके बराबर होगा ये 250 डिग्रीज के। ठीक है आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला जो सवाल है ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी इस सवाल में आपसे पूछा गया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए बहुत आसान सवाल है मैं करवाता हूं इसका सोल्यूशन। देखिए 47 है ये 65 है तो आपको पता है कि सर जी ये जो चीजें हैं बहुत क्लियर है कि 47 है और वो कितनी है 65 है तो आप एक चीज निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं ये वाला एंगल निकाल के भी आप कर सकते हैं काम। पहले तो आप ये वाला एंगल देखो भाई जिसको मैं ब्लैक शेड कर रहा हूँ ये एंगल क्या है इस ट्रायंगल का यानी ये जो ट्रायंगल छोटा सा बाहर दिख रहा है इसके बाहर का क्या है ये वाला ट्रायंगल। आप कहेंगे ये एंगल जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है यानी बाह्य कोण है और ये बाहर का अगर कोण है तो ये किसके बराबर होगा 47 प्लस 65 के ये वाला एंगल कितना हो गया 47 प्लस 65 के बराबर हो गया और ये एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल इसका भी है यानी 38 प्लस थीटा
इस एंगल को आप बराबर किसके करेंगे? आप बोलेंगे सर ये बराबर होना चाहिए 38 प्लस थीटा के। बहुत आसान चीज है भाई ये। मैंने करा क्या, देखो ये जो एंगल दिखा मेरे को, मैंने बोला ये इसके भी देखो इसके बाहर का कोण था ये, यानी ये बराबर होगा अपोजिट दोनों के सम के, और ये एंगल इसका भी बाहर का कोण अगर आप ध्यान से देखेंगे 38 प्लस थीटा के, दोनों को बराबर कर दिया, सेम ही एंगल की बात हो रही है। तो थीटा जो होगा वो कितना आ जाएगा, 47 माइनस 38 करेंगे यानी 9 प्लस 65, 74 डिग्री। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है भाई, आपको देखना था बस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।